अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक स्पेशल किस्म की फ्रूट चाट की रेसिपी, बहुत मज़े की और बहुत आसानी से बन जाने वाली। ये खट्टी मीठी फ्रूट चाट किस तरह से बनती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगी बनाना, 3 से 4 बनाना ले लिए हैं, उनको स्लाइस में कट कर लिया है, बिस्को शामिल किया एक अदद बाउल में। नेक्स्ट मैं लूंगी 2 से 3 दरमियाने साइज के एप्पल, एप्पल को भी बारीक चॉप कर लेना है। एप्पल को भी बॉल में शामिल कर दिया। अब नेक्स्ट लूंगी मैं गोवा, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। फ्रूट्स को जो पहले मैंने बहुत अच्छी तरह इनको धो लिया था। इसको भी बाउल में शामिल किया। इसके बाद लिया है मेलन, इसके बीज वगैरह निकाल के इसका छिलका उतार के इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1/2 खरबूजा। जो जो आपके पास फ्रूट्स हों वो सारे फ्रूट्स ले लें। इस फ्रूट चाट में आप लोग गोई और क्रंच दोनों तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट लिया है स्ट्रॉबेरी, इसको भी बारीक चॉप करना है और इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद ग्रेप्स बड़े साइज के हों तो एक ग्रेप के 2 हिस्से कर लें, वो भी फ्रूट्स में शामिल कर दिए। सारे फ्रूट्स कट करने के बाद अब इसमें शामिल करनी है 2 टेबलस्पून के बराबर ब्राउन शुगर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 पिंच नमक, 3 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प, 1 गिलास ऑरेंज जूस। ऑरेंज जो है इनका जूस मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, ये फ्रेश ऑरेंजेस का जूस है वो इसमें शामिल करना है। केन वाला इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो ब्राउन शुगर है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको 15 मिनट के लिए अपने फ्रिज में रखना है ताकि जितने भी फ्रूट्स हैं वो ऑरेंज जूस का जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब करें। फ्रिज से निकालने के बाद इसको सर्व करें। एक बहुत मज़ेदार, एक खट्टी मीठी फ्रूट चाट ये तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।